वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों में हूँ हसन रोमान, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल जुबिन गर्ग मोटर क्लास में स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट के बाद घंटा। दोस्तों मैंने ब्लॉग खोल रहा हूँ अभी, देख लीजिए एपे का ब्लॉग है ये, एपे डीजल का ऑटो का ब्लॉग है ये, देख लीजिए दोस्तों। ब्लॉग पिस्टन कम्प्लीट सेट है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैंने फिटिंग करूँगी। ये BS2 का ब्लॉग है, आप लोग देख लीजिए मेरा वीडियो लास्ट तक, आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगी। ये है पिस्टन रिंग, आप लोग देख लीजिए, ये है रिंग पुलर, ये है ब्लॉक, ये है रिंग पुलर, आप लोगों को ये रिंग पुलर से कैसे अंदर ढुकाना है, ब्लॉक को फिटिंग करना है मैं दिखाऊँगी दोस्तों। ये है पिस्टन, पिस्टन रिंग है, फिटिंग करोगे ये पिस्टन लॉक रहता है दोस्तों, देख लीजिए मेरा वीडियो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैं कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और ये पिन जो कनेक्टिव डॉट है, कनेक्टिव डॉट का पिन यहाँ पे अंदर रहेगा, पिन का लॉक है ये, देख लीजिए ये है लॉक, मैं फिटिंग कर रहा हूँ, ये है ठीक से करना फिटिंग, इंजन फिटिंग होने के बाद ये लॉक ना टूट जाए इसके लिए आराम से फिटिंग करना। उसके बाद मैंने रिंग को फिटिंग करूँगी, देख लीजिए ये है ऑयल रिंग, आप लोग देख लीजिए, उसके अंदर एक स्प्रिंग वाला एक रिंग रहता है, इसको पहले घुसाना होगा। पिस्टन रिंग देख लीजिए कैसे फिटिंग होता है दोस्तों, हर गाड़ी में ऐसे फिटिंग कर रहा हूँ, करता हूँ, देख लीजिए रिंग का ऊपर साइड स्टॉप लगा हुआ रहता है, वो ऊपर साइड ऊपर में रहता है, हर रिंग में ऊपर रहता है वो रिंग। मैंने उसके बाद जो ऑयल रिंग है जैसे अंदर रहता है जो स्प्रिंग वाला रिंग, वैसे अंदर उसको फिर फिटिंग करके देना, पिस्टन के साथ फिटिंग होने के बाद इसे फिटिंग कर देना, देख लीजिए मैंने फिटिंग कर रहा हूँ। और आप लोगों को मेरा कोई बात समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी। ऑयल रिंग कैसे फिटिंग कर रहा हूँ देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिए दोस्तों। ये टाटा एसिप और एपे का डीजल एपे का सेम है पिस्टन रिंग, देख लीजिए ये एक और एक है, ये जो ब्लैक कलर है ये तो मिडिल में रहता है, देख लीजिए ये कौन पेशन रिंग कहता हूँ हम लोग, देख लीजिए कैसा है कौन। और उसके ऊपर ये है, ये भी एक कंप्रेशन रिंग है हम लोग कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरा कोई बात गलती हो गई तो माफ़ कर देना, आपका छोटा भाई समझकर। और आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मेरा AK मोंजा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं AK मोंजा चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो कर देना दोस्तों। कैसे मैं रिंग फिटिंग कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए दोस्तों, मैंने रिंग फिटिंग कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। अभी पिस्टन रिंग पिस्टन में ब्लॉक के अंदर डालूँगी और पिस्टन के साथ जो कनेक्टिंग है कनेक्टिंग को भी फिटिंग करूँगी, देख लीजिए लास्ट तक मेरा वीडियो। और आप लोगों को पता नहीं कैसे मैं मेरा हिंदी जो बात है जो कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, आपका छोटा भाई समझकर। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं असम की हूँ, मेरा हिंदी बात अच्छा नहीं है। तो आप लोग मेरा ये कैमोंदा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर देना, मैं यहाँ पर दिखा दिया है दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और
मुझे ये है पिस्टन रिंग, रिंग पुलर पिस्टन रिंग को फिटिंग करने वाला, ब्लॉक से पिस्टन को फिटिंग करने वाला रिंग पुलर है। इसको कैसे फिटिंग कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए, रिंग को आप लोगों भी फिटिंग कर लिए कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और एक मोदा चैनल को भी मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं अभी फिटिंग करूँगी ब्लॉक के साथ, ये रिंग बुलर टाइट दे रहा हूँ, अभी रिंग को छपा रहा हूँ। देख लीजिए मैंने कैसे फिटिंग करूँगी अभी ब्लॉक से अंदर समझे दोस्तों। जो आप लोगों का हम लोग मेरे वीडियो लास्ट तक देखते रहे, मैंने कैसे अंदर दे रहा हूँ जो पिस्टन रिंग है ब्लॉक है उसको कैसे अंदर डालूंगे देख लीजिए। मैंने डंडा से मैं खींच कर अंदर दूंगी। और आप लोग मेरे वीडियो अंत तक देखते रहिए दोस्तों, धीरे धीरे अंदर खिसाना होगा। मैंने अंदर डाल दिया है देख लीजिए, मैंने फिटिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने फिटिंग कराऊंगी ये कनेक्टिव रॉड, और जो ये रेड कलर का है इसको भी बाहर रहना चाहिए। फिटिंग करते हुए मैं देख लीजिए कैसे फिटिंग कर रहा हूँ, कनेक्टिव रॉड फिटिंग कराऊंगी अभी। वो कनेक्टिव रॉड का पिन है ये पिन को पहले थोड़ा सा अंदर देना होगा, अंदर ना उसके बाद आराम से आप लोग जो भी देख लीजिए फिटिंग कर रहा हूँ। मैंने जैसे फिटिंग कर रहा हूँ आप लोग ऐसे फिटिंग कर लीजिए, आप लोगों का कोई गलती ना कर दीजिए दोस्तों। मेरा बहुत बुखार है फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो ला कर रहा हूँ दोस्तों, लॉक लगा रहा हूँ दोनों साइड में लॉक लगा दिया है। मेरा बहुत बुखार है अभी तक कमा नहीं है, मैंने वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग कब देख रहा है मेरा वीडियो तो मुझे मालूम नहीं। मेरा अभी वीडियो दोस्तों मैंने फिटिंग कर रहा हूँ लॉक को देख लीजिए, और लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। और मैंने धीरे धीरे से अंदर ब्लॉक पिस्टन को ब्लॉक के अंदर घुसा दिया। उसके बाद मैंने एलिवियरिंग को फिटिंग करूँगी देख लीजिए, ये है एलिवियरिंग मैंने निकल लिया है। उसके बाद फिटिंग कर रहा हूँ, कैसे फिटिंग कर रहा हूँ देख लीजिए, आप लोगों भी ठीक ऐसे फिटिंग कर लीजिए। जो उल्टा से नहीं फिटिंग करना क्योंकि इंजन जाम हो जाएगी, पिस्ट कनेक्ट क्रैंकशाफ्ट जाम हो जाएगी। और उल्टे से फिटिंग करने के बाद उसके बाद ब्लॉक के साइड में मैं जो आठा है आठा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि न्यू ब्लॉक ला रहा हूँ तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने आठा दिया है, कोई खास के लिए नहीं दोस्तों। मेरा चला का कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइए दोस्तों। एलिवियरिंग को फिटिंग कर लिया है और दोस्तों मैंने अभी फिटिंग करूँगी ब्लॉक, मैंने मोबाइल दे रहा हूँ मोबाइल गन से देख लीजिए। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक एमन जाए मेरा और एक चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एलिवियरिंग जो नीचे की तरफ है उसको भी फिटिंग कर रहा हूँ देख लीजिए कैसे फिटिंग कर रहा हूँ, आराम से देखना दोस्तों। जैसे एपी से फिटिंग होता है वैसे टाटा एस जीप में फिटिंग होता है, कोई अलग अलग नहीं है दोस्तों। मैं दोनों गाड़ी का काम करता हूँ, एपी बजाज अल्फा महिंद्रा
कंपनी का है अल्फा, उसका काम करता हूँ। और टाटा एसी जिप में जो आता है उसको भी काम करता हूँ। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा एक मंजा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं ब्लॉक फिटिंग कर लिया हूँ, उसके बाद मैंने पिस्टन को घुमा कर देख रहा हूँ कि कुछ जाम होता है या। दोस्तों ये है एपे डीजल ऑटो का हेड, देख लीजिए। फिटिंग करूँगी अभी, आराम से लास्ट तक देखते रहिए मेरे वीडियो। दोस्तों ये है स्टार्ट बोल्ट मैंने लगा रहा हूँ सिलेंसर का, आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो लास्ट तक कैसे कैसे फिटिंग करता हूँ कर रहा हूँ, और देख लीजिए मेरे वीडियो अंत तक दोस्तों। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए। दोस्तों मैं आप लोगों को और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एके मोन्ता चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, एके मोन्ता मेरा ही चैनल है एक, वहाँ पे बहुत वीडियो मिलेगा। और ये है हेड, आप लोग देख लीजिए कैसा है एपे का हेड। मैं स्टार्ट बोल्ट लगा रहा हूँ सिलेंसर और एयर कैलन की स्टार्ट बोल्ट लगा रहा हूँ, देख लीजिए। आप लोगों को आराम से लगाइए, थ्रेड ना टूट जाए। ये है न्यू हेड मैंने लगा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे ये लॉक है, देख लीजिए। ये तो जो डी केबल है, डी केबल के साथ यहाँ पे ये लॉक रहता है। मैं डिलीवर भी फिटिंग करूँगी, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों मैंने ये डिलीवर का वायरिंग जो है उसको मैं लगा रहा हूँ। वायरिंग को फिटिंग होने के बाद वायरिंग यहाँ पे डिलीवर को फिटिंग करूँगी, देख लीजिए मैं कैसे डिलीवर फिटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब कीजिए। उसको उसके बाद डिलीवर लगाने के बाद बाहर नाप रहता है 10 नंबर, उसको लगाना जरूरी है, आराम से लगाइए, फिर इतना टूट जाए। दोस्तों हेड फिटिंग करूँगी अभी, इंजन कंप्लीट आपके सामने बनाऊँगी। यहाँ पे ये 2 नंबर वीडियो है, 1 नंबर वीडियो आप लोग देख कर मेरा 2 नंबर वीडियो देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद मैंने एयर कैलन की जो लगा हुआ रहता है उसको टाइट कर दिया है मैंने। उसके बाद डी लीवर से जो लगा हुआ रहता है डी केबल, उस बुलेट को लगा रहा है, मैंने लगा रहा हूँ अभी, देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एक मंजा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बात आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों मैंने पहले से ब्लॉक फिटिंग कर लिया है, उसके बाद मैंने पाइप ऑयल सील फिटिंग कर लिया है, उसके बाद जो पाइप है उसको भी फिटिंग कर लिया है। वहाँ पे देख लीजिए कैसे फिटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ऊपर की वाला जो पाइप ऑयल सील है उसको भी फिटिंग करूँगी। और आप लोगों को मेरे पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए दोस्तों, मेरा वीडियो अंदर देखते रहिए। और यह है हेड गैसकेट, मैंने फिटिंग कर लिया है हेड पे, देख लीजिए कैसे फिटिंग कर लिया है दोस्तों। आप लोगों को मैं और एक बात बता रहा हूँ, टाटा एसी जिप और एपे अल्फा ये दोनों गाड़ी का इंजन का पुश रॉड सेम एक ही तरफ से लगा हुआ रहता है, कोई अलग अलग नहीं है, सेम एक ही है। और यहाँ पे ग्राहक लगा हुआ रहता है, और लगाइए आप लोग, ये पुश रॉड दोनों है, देख लीजिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। जो आप लोगों को लगाइए दोस्तों, मैंने फिटिंग कर लिया है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। रोकर को मैंने फिटिंग कर लिया है, देख लीजिए कैसे फिटिंग कर लिया है रोकर को दोस्तों। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जुबिन गर्ग को मोबाइल रिपेयर सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा हर वीडियो अंत तक देखते रहिए। और कैसे मैं एग्जस्ट कर रहा हूँ देख लीजिए रोकर दोस्तों, रोकर को मैंने एग्जस्ट कर रहा हूँ, आप लोग को आराम से एग्जस्ट कीजिए
ताकि कोई दिक्कत ना आए, स्टक में प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों देख लीजिए, आराम से एग्जॉस्ट करना और नाक का थ्रेट ना जाए इसलिए। और ऊपर में एक लिखा लिख दिया है मैंने, उसको भी देख लीजिए, देखकर समझ जाएगा आपको प्रॉब्लम। दोस्तों देख लीजिए, मैंने फिटिंग कर लिया है। उसके बाद आप लोगों देख लीजिए, मैंने शर्ट कवर लगा रहा हूँ अभी, दोनों शर्ट कवर को लगा लिया है मैंने। आप लोग देख लीजिए कैसे लगा रहा हूँ, और मेरा बात आपसे मेरा बात समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर कमेंट में ले करूँगी। और जो कवर में नाप रहते हैं दो नाप, मैंने छत में दो जीरो नंबर नाप रहता है, मैं टाइप दे रहा हूँ अभी, देख लीजिए। दोस्तों इसको भी टाइप कर लीजिए आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखेगी। और ये है एक सैनल, जो लोबार का सैनल है ये मैंने लगा लिया है, देख लीजिए कैसे लगा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, फिटिंग कर लीजिए। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। मैंने कवर का फिटिंग कर लिया है। और ये है यहाँ पे है गवर्नर, देख लीजिए ये है गवर्नर दिखा रहा हूँ मैंने। ये पाम फिटिंग करूँगी अभी, देख लीजिए कैसे पाम फिटिंग होगा। और आप लोगों को फिर देख लीजिए, मैंने ये गवर्नर देख लीजिए, मैंने पाम फिटिंग कर लिया है। दोस्तों ये सोमवार आखिर सोमवार से आठा लगा रहा हूँ अभी, ना वो जो आठा है देख लीजिए कैसे लगा रहा हूँ। उसके बाद मैंने गैसकेट तो लगाऊंगी, ये है गैसकेट दोस्तों, गैसकेट से ऊपर लगा रहा हूँ आठा अभी। देख लीजिए मेरा वीडियो हम तक। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिए आप लोग, हर वीडियो को देख लीजिए। मेरा जो बात आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों को कमेंट करके बता दूंगी ज़रूर। दोस्तों मैं आप लोगों को जो बात भी समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके आपका नंबर दीजिए। मैं अभी पीटीओ कवर का एक गैसकेट लगा रहा हूँ, पीटीओ कवर फिटिंग करूँगी यहाँ पे, देख लीजिए दोस्तों। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। और आप लोग का हाल मैं बहुत आप लोग अभी दोस्तों मैंने फिटिंग कंप्लीट कर दिया है, मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए।